इनने पूरी गली में हल्ला मचा दिया है। मम्मी आ गई है, पूनम भाभी आ गई है। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है संडे मॉर्निंग का टाइम, तो मैं नहा करके हेयर वॉश करके आई हूँ। और मैंने ये पुरानी सी मैक्सी पहनी है क्योंकि मैं अभी लगा रही हूँ अपने हेयर में मेहंदी। और ये प्योर नेचुरल मेहंदी है जो कि हमारे मंदिर में मेहंदी का पेड़ लगा हुआ है ना, वहाँ से जो है पत्ते तोड़ के लाए गए, उनसे पीस करके बनाई है मैंने। एक्चुअली पूनम दीदी ने तोड़वाई थी तो फिर वो यहाँ पीसने आई थी, तो मैंने थोड़ी सी मेहंदी अपने लिए ले ली और अभी आज लगा ली है मैंने अपने हेयर में। और मैंने इसमें कुछ भी मिलाया नहीं है, सिर्फ पानी में ही मतलब पीस ली थी वो मेहंदी के पत्ते, और फिर भी उसके बावजूद ही बहुत अच्छा रंग दिया है इसने। लगाते समय ना मेरे पूरे हाथ लाल हो गए थे। और मेहंदी लगाने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में, तो मैं ये बना रही हूँ मूंग की दाल के मंगोड़े। अनंत मुनमुन का बहुत मन था भाई मूंग की दाल के मंगोड़े खाने का, तो ये रात में ही दाल गला दी थी, सुबह उठ करके पीसी है। फिर इसमें वही हींग, जीरा और नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च ये सब मिला करके, और आलू प्याज भी मिक्स किए हैं, ये सब मिला करके मंगोड़े सेक लिए। और थोड़ी सी दाल जो परात में अभी मैंने दिखाई वो बचा ली है बरी तोड़ने के लिए। और मैं गरम गरम मंगोड़े बनाने लग रही हूँ और मुनमुन जो सभी को सर्व करी। आप लोग भी आ जाइए भाई गर्मा गर्म मंगोड़े खाने एकदम करारे करारे। और यहाँ पर मैं और मम्मी जी जो है मूंग की दाल की बरी तोड़ रहे हैं, नाश्ता हमने कर लिया है, तो साथ में मुनमुन भी आ गई है हेल्प कराने के लिए, और वो भी बरी तोड़ रही है और बोल रही थी कि मैं बहुत अच्छी बरी तोड़ती हूँ, अपने घर में भी तोड़ती हूँ मैं मूंग की दाल की ये बरी। और देखो बिल्कुल लाइन से तोड़ रही है सीक्वेंस वाइज, तो भाई हमारी मुनमुन ना बहुत समझदार हो गई है अब। और ये देखो अभी कितनी तेज़ धूप निकल आई है, अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल भी धूप नहीं थी, बादल हो रहे थे, बड़े आराम से हम तीनों मूंग की दाल की बरी तोड़ रहे थे। लेकिन अब ये धूप निकल आई है ना तो बहुत मुश्किल हो रहा है बरी तोड़ने में, क्योंकि अभी बहुत सारी दाल पड़ी है तो बहुत टाइम लगना है मूंग की दाल की बरी तोड़ने में। और इतनी देर तक क्या 5 मिनट क्या 1 मिनट भी धूप में बैठे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, सीधी धूप सर पर पड़ रही है। तो हमने खटियाना फिर छाया में लिए तब बरी बनाई है आराम से छाया में बैठ करके। और फ्रेंड्स अभी मैं हेयर वॉश करके फिर दोबारा से नहा करके आई हूँ और सारा काम भी हो गया है मेरा। और आज का मौसम भी देखिए अच्छा हो गया, इतने दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी बट आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो बादल छाए हैं, बारिश भी हो रही है, देखो हल्की हल्की बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम बारिश, मौसम अच्छा हो रहा है इस वक्त, बादल छा रहे हैं देखो। और थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ आंधी भी आई थी, उस वक्त मैं नहा रही थी और इतनी तेज़ आंधी आई थी कि पापा जी की तस्वीर टंग रही है बड़े वाले रूम में गेट के जस्ट सामने, वो तक गिर गई नीचे, इतनी तेज़ आंधी आई थी जबकि अंदर लगी हुई है कमरे में, बट ये गेट के थोड़ा सा सामने पड़ जाती है, तो जैसी हवा आई ना एकदम झटके से जोर से हवा आई है वैसी वो नीचे गिर पड़ी। पर चलो तस्वीर में कुछ हुआ नहीं, टूटी फूटी नहीं है, बिल्कुल सही रखी है, तो दूसरी जगह पे टांग दी है अभी वो। और अभी भाई मौसम अच्छा हो रहा है, लाइट नहीं आ रही है, ये आंधी तूफान के टाइम पर था ना, आंधी बारिश के टाइम पर यहाँ लाइट जाती ही जाती है, बस ये है अगर लाइट ख़राब ना हो तो सही है, क्योंकि अगर लाइट ख़राब हो जाए, लट्ठे वगैरह टूट जाते तो, और तार फार टूट जाते ना, तो उस टाइम पे तो वाकई में हालत ख़राब हो जाती है, फिर तो ये है कि पता नहीं है, फिर तो लाइट का भूल ही जाओ, एक दो दिन तो आपको ऐसे ही गुजारने पड़ेंगे। बट अभी तो सब सही है, लाइट अभी काट दी गई है बारिश की वजह से, शायद थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी, अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की।
और गाइस ये सब लोग छत पे चले गए हैं और छत पे ले रहे हैं मौसम का मजा। ये देखिए सब लोग पड़े हुए मौसम का मजा लेने हुए यहाँ पे। हवा चल रही है नीचे, गर्मी है गाइस। थोड़ी देर पहले भी बारिश पड़ गई थी यहाँ पे, इन्वर्टर भी चार्ज नहीं है। अब भाई आंधी आएगी, बारिश पड़ेगी तो मौसम तो ऐसा होगा ही। दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई कम लड़ाई ज्यादा करते हैं दोनों। क्या पढ़ाई कर रहे हो? बर्ड्स नेम, अर्थ नेम। और तुम दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे हम मौसम का मजा ले रहे हैं ठंडी ठंडी हवा का, यहाँ टीम के नीचे। अच्छा, बस थोड़ी सी चाउमीन आ रही है, इधर से सीधे हवा आ रही है, इसको चाउमीन चाहिए। फिर किसी चाउमीन आ रहा था लगती है। अरे बस चाउमीन चाउमीन, हमारे गांव में एक बार ऑपरेशन हुआ है लड़के दीदी जी का, बहुत चाउमीन खाई सुबह शाम, चाउमीन खाती थी। चाउमीन चाउमीन मांगती थी मुझे, तो देखो सीधी हवा आ रही है, ये देखो ये हमारा भतीजा मजा ले रहा है दूर से। देखो गाइस हवा चल रही है काफी, और देखो कैसे बादल हो गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले बारिश पड़ चुकी है, अभी बोलो। थैंक यू बेटा, थैंक यू, जीते रहो। हमारा फोटो नहीं आ पा रहा है। ओहो फादर्स डे पे, ओहो तांशु बाबा तांशु को प्यार कर रहे हैं, इसीलिए तो प्यार कर रहे हैं। अगर हम इनकी पिटाई करें थोड़ी सी तो पढ़ाई नहीं करेंगे। अब आज सुबह से मैंने कुछ कहा नहीं है तो सुबह से चक्कर काट रहे थे। संडे को फ्री है? अच्छा संडे को फ्री है, छुट्टी है संडे की? छुट्टी है आज। अच्छा मैं बर्थडे में कब कर लेना आपको, तभी मजे से घूम रहे हो। चलो थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, पढ़ लो फिर आपको खेल लेना, पापा जा रहे हैं शाम को। नहीं बेटा बच्चे नहीं है वहाँ पे, आप क्या करोगे अकेले? और आज फादर्स डे है तो पापा से थोड़ी देर मैंने वीडियो कॉल पे बात की, उनको फादर्स डे विश किया। और यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है ना, तो वीडियो कॉल अच्छे से नहीं हो पा रही थी, कभी पापा का फेस क्लियर नज़र आ रहा था तो कभी नहीं आता था, धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था, तो ज़्यादा देर तक पापा से बात नहीं हो पाई वीडियो कॉल पर। और ये देखो पब्लिक आ गई है देखने के लिए पूजा का नया लुक, गांव की देसी बहू से मुझे मॉडर्न बना दिया है। एक कैटवॉक करके दिखा दो, तू कैटवॉक करके चलो स्टार्ट। कैटवॉक कैटवॉक देख लो मम्मी, देख लो बहू लखड़े आओ। सो फ्रेंड्स
हम दोनों का ये न्यू लुक कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताना है। और पहले बताएं मम्मी जी कैसा लग रहा है। मम्मी जी बताएं कैसी लग रही है पूजा। मैं तो मुन्नू का हम दोनों अकेले जो तैयार हो रहे थे सबको घटा लिया आपने तो। मैं क्या करूं, हम तो अपने न्यू लुक अपने आप दे रहे थे, आप आपको बुला लिया। गली का जासूस पता कौन है? कौन है? तांशु और आनंद ने किया है सब कुछ। इन्हें पूरी गली में हल्ला मचा दिया है। मम्मी आ गई है, पूनम भाभी आ गई है, बच्चे भी आ गए हैं, सब लोग आ गए हैं। पूनम भाभी तो रही है। देखते हैं कि क्या होता है। आनंद बीच में आया। तभी तो मार पत्ते पर लिया है वो जोड़ गए थे मतलब। तांशु तांशु और फ्रेंड्स पता है हम लोगों ने एक न्यू प्लान ही बनाया था। कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी है तो हम लोग ये सोच रहे थे कि बाहर घूमने कैसे जाना है। तो मैंने कहा मैं मुनमुन के टॉप पहन लूंगी और फेस को कवर कर लूंगी तो मैं और मैं सूट पहन के जाऊंगी और घूंघट मार लूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगी। और आराम से बाहर जाके पार्टी करेंगे। देखो मेरी उम्र कुछ कम थी, उम्र कम हो गई ना मेरी तो बढ़िया बात है, तो अच्छी बात है उम्र मेरी कम हो गई तो। मम्मी बताइए यंग लग रही हूँ मैं? मम्मी से पूछ ले दिखा रही है। सासू माँ जी बताइए बहू कैसी लग रही है आपकी? बताओ कम। मम्मी से परमिशन ले लेती पहले कि जीन्स की पहन के जाऊंगा ना जाऊं बाहर। तो कौन सा जा रहे हैं? प्लेन जा रहे हैं तो वैसे ही मजाक कर रहे थे। अच्छा प्लेन बना रहे थे ना ये जीन्स तो पहन के मजाक कर रही थी। परमिशन ले ले सर, उसको परमिशन मिल जाए चली चली नहीं मैं सूट साड़ी में जाऊंगी ना तो यही चलिए पूरा गांव मेरे को ही देखेगा। अपने मौते ही कर लेते हैं कई दफा होते हैं कुछ कर लेते हैं फिर और तो पहुंच गए उधर देख लो उधर जा मैं आगे खड़ी हूं मौसी आगे खड़ी हूं थोड़ा तो आगे इधर आओ। मम्मी कैसी लग रही है ये पूजा? बढ़िया लग रही है। तू तो परमिशन दे दो भाई कल के लिए, कल भेज दो उनको ऐसे ही जींस टॉप में। और क्या जींस टॉप में नया लुक आ जाएगा पूजा का। पूरे गांव में हल्ला कर दिया मम्मी ने जींस टॉप पहन लिया और पिटने वाला है आज। भाग गया भाग गया। बताइए हम दोनों कैसे लग रहे हैं? चलिए आज सब लोग ना मुनमुन एंड करेगी, करो बेटा क्या क्या बोले लोग को एंड करो। हम दोनों कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जो नए हैं और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी एक प्यारे से नए ब्लॉग के साथ।